Hello everyone, thank you very much for joining us on in the another grooming session of IHB Pageant 2020. Today we have with us Kanchan ji, who will give us the information about the soil grooming. So how we can make ourselves beautiful from inner side of a human being. So please welcome Kanchan ji. Kanchan ji, please. Thank you. आप सबको सोल के बारे में पता है? SOUL, SOL ही नहीं, SOUL. जिसको जिसको पता है, you can do a thumbs up or you can wave or you can say yes. Yes. So, what is your soul? हमारे अंदर there is a living being, right? हम सांस कैसे लेते हैं? We are taking our breath from our lungs, from our heart, right? However, even when the heart stops, जब हमारा heart रुक जाता है, तो भी हमारी एक journey आगे जाती है. सिमिलरली जब हम इस प्लैनेट पे आते हैं, जब हम पैदा होते हैं, तो इस बॉडी में आने से पहले भी हमारा एक अस्तित्व होता है, हमारी एक पहचान होती है, जिसको हम सोल जर्नी कहते हैं या सोल लाइफ कहते हैं. और सोल की सिर्फ एक लाइफ नहीं होती, मल्टीपल लाइफ्स होती है. आप देखोगे कई बच्चे पैदा होते हैं और बहुत छोटे में ही, लाइक न्यू बॉर्न बेबी, दे गो, दे आर पुट इन टू इनक्यूबेटर्स. अगर कोई कुछ बड़ा हो कि अगर किसी का एक्सीडेंट हो या तबीयत खराब हो या बीमार हो, तो हम कहते कर्म का फल है. लेकिन एक न्यूबॉर्न बेबी ने क्या कर्म किए होंगे कि उसको वो फल मिलता है, दैट ही हैज टू गो थ्रू पेन और शी हैज टू गो थ्रू पेन, है ना? तो कुछ ना कुछ तो है जो उस न्यूबॉर्न बेबी के पहले से, इस धरती पे आने से पहले से कुछ डेस्टिनी डिसाइडेड है या कुछ सोल की जर्नी है, जिसकी वजह से उसको वो पेन फील होता है. आपने एक छोटे से बच्चे को देखा होगा, बच्चा जाके आग से खेलता है, लेकिन जब पहली बार उसने आग में हाथ लगाया और उसको जोर से चटका लगा, तो उसका लाइफ लॉन्ग का रिएक्शन क्या हो जाता है? उसका लाइफ लॉन्ग का रिएक्शन होता है कि दोबारा आग में हाथ नहीं देना, राइट? इसी तरह ऑल ऑफ अस, ईच सोल, ईच ह्यूमन बीइंग दैट इज वॉकिंग द प्लैनेट, वी आर बॉर्न विद अ सेट पाथ फॉर अस. और क्योंकि हमारी सोल जर्नी में, हमारी चाइल्डहुड से लेके आज तक की जर्नी में हमने कई चीजें एक्सपीरियंस की है, जिसकी वजह से हमें कई इमोशंस हमारे अंदर जाते हैं, साथ कैरी ऑन करते रहे उन इमोशंस को. अगर हम क्लियर नहीं करते हैं, तो हम जिस पर्पस से या जिस जर्नी के लिए यहाँ आए हैं, सपोज यू हैव कम हियर टू स्प्रेड द अवेयरनेस ऑन ब्यूटी, सपोज यू हैव कम हियर टू स्प्रेड द अवेयरनेस ऑन कॉन्फिडेंस, तो अगर आपके सोल के अंदर फियर है, अगर आपके सोल के अंदर डार्कनेस है, तो आप कॉन्फिडेंस कैसे प्रोजेक्ट करोगे? अगर आप आईने में खुद को देख के खुश नहीं हो पाते हो, तो आप ब्यूटी का पर्पस कैसे आगे लेके जाओगे, राइट? सो टुडे व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू वर्क ऑन द सोल विद इन, which will bring out your beauty and your confidence to the maximum when you will be walking the ramp. Sabko samajh aa rahi hai meri baat? Agar kisi ko na samajh aaye, to please reply kijiyega. Okay? Pri, you want to say something? I just want to say yes, I'm understanding. Okay. Shiv, can we have them unmuted one by one?
so that, you know, then I can take it forward from there. Okay. So we start with Ditya first. Okay, I'll pick up people randomly. यहाँ जितने लोग हैं उनमें से I'll pick up people randomly and we will do a small activity with them which will be beneficial for each one. अब जब हम activity करेंगे, अगर मैं suppose प्रिया को या दित्या को या राधिका को किसी को भी एक instruction दे रही हूँ, वो instruction आप सबके लिए होगा. So if I say please close your eyes, so then close your eyes. All right. If I give an instruction to anybody, that will be an instruction for all of you. Sabko samajh aayi? Okay. All right. So we start with Ditya. Ditya being the youngest. Ditya. Yes. Can you hear me? Okay. Yeah. You have to respond. So Ditya, my first question to you was fear. आपको किस चीज से डर लगता है? A little about my future and a lot about my present, that I should not make any mistake while doing something because I want to do it perfectly. So guys, Ditya का सबसे बड़ा fear है future and present. यहाँ कितने लोगों का वो fear है? You can show me a thumbs up or you can say a yes. Okay, only one person. Sirf Simran ko dar lagta hai present or future ka, baki kisi ko nahi hai. We have a very awesome team here. Okay, so for Ditya and for everybody else, we will do a small process. Can we close our eyes? Close your eyes. And focus on your breath. Shiv, I would like you also to participate. Close your eyes and focus on your breathing. Breathing aapki bilkul normal rahegi, jaise aap rozana koi bhi kaam karte hue breathe karte hain. Saanson ko andar aane dein aur bahar jaane dein. बिल्कुल रिलैक्स्ड तरीके से बॉडी को रिलैक्स रखिए, कंधों को रिलैक्स रखिए, अपनी स्पाइन को, अपनी रीढ़ की हड्डी को एकदम रिलैक्स रख लीजिए. अगर आपके पांव और हाथ क्रॉस किए हुए हैं तो उनको खोल के रखिए. थ्रू आउट द प्रोसेस प्लीज कीप योर आईज क्लोज्ड. फोकसिंग ऑन योर ब्रेथ विल हेल्प यू achieve better results of the process we are doing further. सांसों पे ध्यान रखते हुए आपका पूरा ध्यान आपके गले के नीचे, आपकी छाती के बीचों बीच, आपके हार्ट सेंटर आएगा. आपकी छाती के बीचों बीच आपके हार्ट सेंटर पे आपका ध्यान रहेगा जब आप सांस ले रहे हैं. एक छोटे से ब्यूटीफुल फर ब्लैंकेट में आपने अपने आप को रैप किया हुआ है. जैसे एक छोटा न्यूबॉर्न बेबी को हम एक ब्लैंकेट में रैप करते हैं, सिमिलरली आपने खुद को एक छोटे से ब्लैंकेट में रैप किया हुआ है और इस ब्लैंकेट में आपको उतना सुकून मिल रहा है जैसे एक न्यूबॉर्न बेबी चैन से सोता है. और धीरे 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 आपकी एनर्जी ऊपर की ओर जा रही है. यू आर स्लोली मूविंग अप अप एंड अबव, क्रॉसिंग द सिटी यू आर इन, क्रॉसिंग द कंट्री यू आर इन, क्रॉसिंग द प्लैनेट यू आर इन. यू मूव अबव एंड यूनाइट विद द लाइट इन द यूनिवर्स. यू यूनाइट with the galaxy above.
here we invoke the presence of our divine guide. We invoke the presence of whichever god, goddess you believe in. We invoke the presence of free will. And we seek to clear all our doubts, all our fears, all our anxieties. हमारे अंदर जितना भी डर है, जितनी भी चिंता है, जितना भी किसी भी तरह का अगर हमारे अंदर फियर है, we invoke our free will to clear any anxiety, any doubt, any fear from our being, from the connection of our soul to its source, right from the beginning of light till date. And as we move into the future, we move with complete confidence and divine grace, bestowing upon us fearlessness, bestowing upon us confidence, and making us the best version of who we are here for. As we thank the divine, as we thank our deity that we invited, we thank our free will for allowing us to choose the best for us. We come back. And as you come back, slowly tap on your shoulders and your legs. And you open your eyes. And welcome back, everyone. Kya feel hua? Awesome. It was good. Bhardwaj ji. Very pleasing. Mayank. It was good. किसी को किसी तरह का किसी को किसी तरह का कोई चैलेंज फील हुआ? विकी, आप क्योंकि इस सेशन में हो, अगर आप फोकस सेशन पे करोगे तो आपके लिए बहुत बहुत बेनिफिशियल होगा, लाइफ लॉन्ग की जर्नी के लिए बेनिफिशियल होगा, नॉट जस्ट फॉर द पेजेंट. ओके, एवरीबडी गुड? Everybody happy? Yes. Now tell me, who wants to perform the best on the ramp? Dr. Sneha, Antara, or just do logo ko ramp pe acche se chalna hai. Okay. Bhardwaj ji, Mr. Jay. Very good. So when you look at yourself in the mirror, aap roj subah utke mirror mein dekhte ho khud ke taraf? कौन कौन मिरर में नहीं देखता है? लेट मी सी. नॉट इन द मॉर्निंग, आफ्टरवर्ड्स. सुबह सो मेनी टाइम्स. तो कैसा फील होता है? यू शुड लुक एट योरसेल्फ इन द मिरर, क्योंकि खुद से अगर आप इश्क न करोगे तो बाकी कैसे आपसे प्यार. मुझे लगता है शिव को सिर्फ अपने आप से ही इश्क है. आई स्पेंड अराउंड अपने आप से सबसे ज्यादा प्यार होना चाहिए इंसान को. बट मेरी मम्मा बोलती है कि इतना ज्यादा मिरर नहीं देखना चाहिए. क्यों? आई डोंट नो व्हाई. सेल्फ नो, माय मदर सेज कि ज्यादा शीशे में देखने से शादी जल्दी हो जाती है, बट आई थिंक to be, I think, you know, you have to look perfect all the time. Yeah, very divine beautiful. Has made all of us so beautiful. Aap dekho, hum yahan, we are around what, 12 people, and each one of us has a distinct personality.
है ना, किसी की भी पर्सनालिटी दूसरे की पर्सनालिटी से मिलती नहीं है. ईच वन ऑफ अस इज मेड सो ब्यूटिफुली बाय द डिवाइन. तो हम अपने आप को देख के निहारे क्यों ना, राइट? अपने आप को देख के हमें इश्क क्यों ना हो, ऊपर वाले ने इतनी मेहनत की है हमें बनाने में. बट वॉट इज इम्पॉर्टेंट इज कि जब आप मिरर में देखते हो तो आपको क्या फील होता है. राधिका, आप जब मिरर में देखते हो तो आपको क्या फील होता है? That this person can achieve anything, that is like the first thought that comes in my mind when I wake up. Like the first mirror I see. When you look into the mirror, जब आप आईने में खुद को देखते हो. We have this tendency, कुछ ना कुछ बुरा लगना start हो ही जाता है. Okay. And when I see myself in the mirror, obviously I find myself beautiful. But at a certain point, I have this thing in my mind ki haan, I have to, you know, ye cheez sahi karni hai, ye cheez sahi nahi karni. Matlab mere baal thode aur achhe hote. Shayad, you know, mere I should get bangs next week. Yeah, shayad mere kaan thode aur lambe hote. Shayad meri naak thodi aur teekhi hoti. Or should I get my chin, you know, a little more, my jawline visible. Or maybe I don't like my eyes. My eyes should have been a little bigger. ऐसा फील होता है किसी को अपने खुद को देख के कि ये चीज थोड़ी और बेटर हो सकती है? किसको नहीं? जो है उसमें खुश है. जो है उसमें खुश. Frequently, but Neha, what do you like to say? Yeah. Sorry. Neha wants to say something. Neha wants to say something. No, I just want to say कि everybody is beautiful in its own way, ना? सबका एक यूनिक पर्सनालिटी होता है. वन शुड बी हेल्दी. लाइक ये लगता है कि थोड़ा सा वेट लूज करो, बट वी शुड बी हेल्दी. एंड मुझे नहीं लगता कि मेरी नाक अच्छी होनी चाहिए, आंख अच्छी होनी चाहिए. आई एम गुड जैसा भगवान ने मुझे बनाया है. आई एम हैप्पी विद दैट. आई एम वेरी हैप्पी विद दैट. बट आई शुड बी हेल्दी. डॉक्टर स्नेहा, जब आप आईने में देखते हो, आपको लगता है दैट यू आर नॉट हेल्दी एंड यू शुड वर्क ऑन योर हेल्थ? नो, आई मुझे लगता है कि आई शुड बी हेल्दी. इफ आई एम ग्रोइंग वे, इफ आई एम ग्रोइंग रॉन्ग, लाइक आई एम, इफ आई एम गेनिंग वेट इन द रॉन्ग वे, आई शुड बी हेल्दी एंड फिट. तो किसको किसको आईने में देख के ये फील होता है कि कहीं कहीं पे एक्सेस वेट है या कहीं कहीं पे यू नो बॉडी शेप थोड़ा बेटर कर सकते हैं? I feel. ये मुझे लगता है. I feel something. ये मुझे भी लगता है. We were talking about self-love. We were talking about how you feel when you look at yourself in the mirror. All right. And Dr. Sneha and Pri, we will do a process for everybody. Shiv, I would like Naveen to join in this process too. Is Naveen around? Yeah, but she don't want to join today. Naveen, off the camera raho, but aap sun ke hamare saath is process ko kijiye. It'll be very, very beneficial. Okay? Yeah. Guys, this process is very, very deep. It will clear all your external beauty. All right? Can we start the process? Do I have everybody's permission? Yes. Antara, one request. Would you be able to sit in a place where there's no disturbance? And Vicky, one request. Can you please keep your eyes closed throughout the process? Because this group energy is, everyone's energy collectively will work to support each other. Are we ready? Can we close our eyes? And this time, when we close our eyes, I will ask you to focus on your third eye, your Agnya. Here, in the center,
So we start now. Keep your eyes closed. Keep your body relaxed. As relaxed as you can be. जितना कंफर्टेबली आप बैठ सकते हो, अगर आपको लेटने का दिल करे आप लेट भी सकते हैं. अपनी स्पाइन को रिलैक्स्ड रखिए, शोल्डर्स को रिलैक्स्ड रखिए. एंड एज वी ब्रीद इन लव. एंड एज वी ब्रीद आउट ऑल द इमोशंस of not being good enough. We breathe out all the emotions of any pain, shame, fear, guilt, sorrow, hurt, unworthiness that we have felt if somebody has ever criticized us. As we breathe in love. And as we breathe out all the feelings of self-worthlessness that we have instilled upon ourselves. Anytime and every time that we have compared ourselves with someone else, we forgive that moment. We forgive ourselves for not being good enough. Here and now, with divine grace, and our right to invoke free will, we call upon the goddess of love, the goddess of compassion, the goddess of mercy, Kuan Yin, to fill our hearts with joy, to fill our hearts with self-love, to fill our hearts with self-worth and compassion for ourselves. So that we drop all and any judgment that we hold for ourselves. We thank the Divine and Goddess of Mercy and Compassion. We slowly breathe in. As we breathe in love. And as we breathe out love for the entire universe, including ourselves. And welcome back, everyone. You can tap on your shoulders and your legs and open your eyes. All good? How are you feeling? Sleepy? Relaxed. This is a process that will take you. This is a process that will take you into deep relaxation. It will clear out jo humne bachpan se humko kai baar kai log bolte hai na, tu acha nahi dikh raha, tu achi nahi dikh rahe. या यू नो किसी ने हमको टोका या किसी ने हमको कॉम्प्लीमेंट नहीं दिया, हमारी तरफ देखा ही नहीं. तो वो जितनी सारी चीजें हमारी फिजिकल बॉडी में स्टोर्ड है, ये प्रोसेस उस सब को क्लेंज करेगा. और वो क्लेंजिंग पीरियड आज से शुरू होगा, 21 दिन तक आपके साथ रहेगा. सो अगले 21 दिन में हो सकता है आपको थोड़ी प्यास ज्यादा लगे, इसलिए खूब पानी पीजिएगा. हो सकता है आपको थोड़ी नींद ज्यादा आए, आपको जब रेस्ट करने का मौका मिले जरूर रेस्ट कीजिएगा. बी काइंड टू योरसेल्फ, बी लविंग टू योरसेल्फ. व्हेन यू आर काइंड, अब दूसरों के साथ काइंडनेस दिखाते हैं, खुद के साथ कभी काइंड होते हैं क्या?
we are the hardest with ourselves, hai na? What say, Mr. Mayank? Do any of you have any questions? Kisi ke koi sawal hai? Anyone have any question, please ask. Yes, Simran. Jago, Bharat, jago. I have a question. Yes. What should a person do when he knows that he's in anger and he will say rubbish and still he's or he, she is saying things? And how should, you know, we should like, how can we stop ourselves from doing that? Are you feeling angry right now? Is this for leke aapke andar kisi cheez leke aapke andar anger trigger ho raha hai? I'm having like after this eyes closing meditation thing, my head is very heavy and I can remember all my problems again and again all together. Okay. Back. Aur kisi ko thoda heaviness lag raha hai body mein? Headache. मुझे भी लग रहा है heaviness. और किसको लग रहा है? Okay, so this will be our last process for the day. All right? Are you all ready? Do you want to drink some water, everybody? आपके आस पास पानी अगर नहीं हो तो प्लीज उठिए जाइए थोड़ा पानी पी के आइए. Then we'll do the third process, the final process. Please sip some water. अगर आपके आसपास पानी नहीं है, please go get yourself a glass of water. So whatever guys I am offering to you here has been trained to me. It's been imparted. The wisdom has been imparted by one of my guides. She is now in the heavenly kingdom. Her name is Sidra Jaffrey. She's the founder of School of Awakening, which has its headquarters in London. That's great. So, from the bottom of my heart, I thank my guide, Sidra, for imparting this wisdom, which is helping us here today. So, once Radhika, Simran, so we start this process with Simran and sab koi jitne log is forum pe hai, we will close our eyes and we will participate in this process. Baatein mere saath Simran karengi, lekin aap apne man mein jo questions main Simran se karungi, aap uske answers khud ko khud dijiyega. Okay? Okay. Okay? Only Simran, you will give the answers aloud. Baaki sab aapke apne individual answers honge. और वो आंसर्स आप खुद को खुद जरूर से दीजिएगा. ऑलराइट, नोबडी इज जजिंग यू. इट इज फॉर योर ओन गुड दैट यू वुड बी डूइंग दिस. और ये क्वेश्चन अगर निकल के आया है तो आई एम श्योर दैट दिस इज फॉर द बेनिफिट ऑफ द एंटायर कलेक्टिव ऑन दिस फोरम. गाइस, मेरे साथ आंखें बंद करके रहना होता है ज्यादातर टाइम. So may we start? Yes, everybody. Can I hear? Yes. Loud, yes. Everybody, unmute your mics. Get some energy. Yes. Okay. So let's start. We keep our eyes closed. पूरे प्रोसेस के दौरान आप अपनी आंखें बंद रखिएगा. अगर आप प्रोसेस के बीच में आंखें खोलते हुए थोड़ी, प्लीज कोऑपरेट एंड कीप योर आईज क्लोज्ड ईच वन. आराम से, एकदम जोर से आंखें बंद करने की जरूरत नहीं. जितना रिलैक्स्ड आप रह सको, गर्दन पीछे कर लो, चेयर पे पूरी तरह से पीठ टिका लो, एकदम रिलैक्स्ड. सिमरन,
which part of your body is feeling heavy right now? If you had to look at one part, if you had to look at one part of your body, Simran, which part of your body is hurting? My head. Your head. If you had to give a number to the pain in your head, 1 being the lowest, 0 being the lowest, 10 being the highest, to aapka dard abhi kitna hai 0 se 10 ke scale pe? 7. 7? Yep. If you had to give a color to the pain in your head, what would be the color? Red. Red. अब आपके सिर के अंदर का जो लाल रंग का दर्द है वो आपके सामने आके खड़ा हो गया है. एग्जैक्टली आपके सामने वो रेड कलर का पेन खड़ा है. व्हाट इज द शेप ऑफ दैट पेन? स्क्वायर. इफ यू हैड टू गिव अ बॉडी टू द पेन, व्हाट वुड बी द बॉडी? वुड इट बी अ मेल body? Would it be a female body? It's both. It's both. If you had to give a face to the pain, what would be the face? Kiska chehra dikh raha hai aapko? As such, I can't see any face. Many faces. Many. So now, you, as an individual, looking at that pain which is right in front of you in a specific color with a specific body, you will talk to that pain. If you had to talk to that pain, aap kya kehte usse? Listen. Listen, what I want to say. And what is the pain replying back to you? What is that red body shape replying back to you? Dhyan se dekho, uske chehre pe ya uski body language mein ya uske words mein ya uske expressions mein kuch aisa hai jo aapko kuch jawab de raha hai? They never listen. They never listen. So now, you will tell this color, this shape, this pain, which is standing right in front of you. I acknowledge you. Repeat after me. I acknowledge you. I acknowledge. I see. I hear you. I feel you. I feel you. However, your presence, is not serving. Is not my highest purpose and goals. My highest purpose and goals. I call upon divine grace. I call upon divine grace. And free will. And free will. And free will. I call upon divine grace and free will to release you. I call upon divine grace and free will to release you from my physical, emotional, mental. From my physical, emotional, and mental body. And mental body.
I release you. I release you. From my spiritual being. From my spiritual being. Whatever contract. That was signed between us. I declare it complete. I release you from my energy space. Breathe in slowly. And breathe out. If you had to scale your pain from 0 to 10, what is the pain now? Two. Very well done. What is the color? It's my favorite color that I can see. What is the color, my love? It's black. And if there would be a shape, what is the shape? No shape, only black. Okay. So black is a color that absorbs all the light. All right? We turn your color black into the color of light, which is white or golden or silver, whichever color you choose. Golden. So everybody, you can choose your own colors, white, silver, or golden. And as you breathe in, the universe showers a beautiful rain of your favorite color, the beautiful light of silverish golden white, which has beautiful stardust of gold and silver in it, which has beautiful sun rays shining on you. And this shower cleanses all your emotions of being unheard, all your emotions of being not listened to. And your beautiful being is once again in its own glory. Welcome back, everyone. And as you open your eyes, tap slowly on your arms and your legs and your shoulders. You can drink some water. How was the experience? Now I'm not feeling the pains on my head. Zero? Wow, I can clap for myself. Thank you, God. Thank you, Divine. Ma'am, I have a question. Yes, we have 5 more minutes. Yes, ma'am, as I was putting my hands on my thighs, like facing upwards, I was feeling a heaviness in my hands during this session. Okay. आपको कभी कोई कुछ देता है तो आपको कैसा फील होता है स्नेहा? हैप्पी लेकिन हिचकिचाहट होती है रिसीव करने में. हाँ, यार हाँ. कोई देता है तो मैं लूं कैसे? हाँ. मैं कैसे उसको वापस करूं? सो आई विल गिव यू अ स्मॉल मंत्रा. ओके. योर राइट हैंड एंड योर लेफ्ट हैंड यू कीप लाइक दिस ऐसा diagonal. Okay? And you will close your eyes. और जब भी आप सोने जा रहे हो या सुबह उठ रहे हो, just close your eyes and be in that receiving mode. He, God, Divine, whoever the supreme light energy is, shower me with all your love and grace. And feel that grace and love coming to you from your hands into your body. Okay. Okay, so once you get used to being in that acceptance or receiving, और ये चीज अगर आपको समझ आने लगे कि दुनिया में हर कोई मतलब से नहीं देता,
कुछ लोग सिर्फ यूं ही प्यार से भी देते हैं. Okay, so this is what I feel every time I do meditation. So that is because आपकी receiving blocked है. Okay. Because you have to work a little more or a lot more on your receiving. Okay. तो जब हमारी receiving blocked होती है, हमको थोड़ा shoulder ache होगा, थोड़ा neck पे stiffness आएगा, थोड़ा palms में stiffness आएगा. अलग अलग लोगों को अलग अलग experiences होते हैं. Okay. Thank you. So be in divine receiving. मतलब किसी और से क्यों मांगना, जो दे रहा है वही दे रहा है. और वो दे रहा है तो उसको लौटाने का तो सवाल ही नहीं है, बिकॉज वो अपनी मर्जी से दे रहा है और हम यहाँ उसी के काम से आए हैं. द मोमेंट यू स्टार्ट बिलीविंग दैट यू आर अ पार्ट ऑफ डिवाइन, जैसे माँ बाप जब बच्चों को प्यार देते हैं तो हमको रिसीविंग में दिक्कत नहीं होती ना. आवर पेरेंट्स लव अस अनकंडीशनली, वी लव आवर पेरेंट्स अनकंडीशनली, राइट. Similarly, the divine up there is our divine father, our divine mother. उससे लेने में कैसी शर्म. जरिया कोई भी हो, जरिया चाहे शिव है, चाहे इंडियन हेरिटेज ब्यूटी पेजेंट है, चाहे ट्राइडेंट कम्युनिकेशंस है ना, रास्ता वही बना रहा है, वही बना रहा है. So be in that happy zone कि जब आप receive कर रहे हो तो full fledged receive कर. Okay? Anybody else, किसी और को और कुछ experience हुआ, कुछ share करना है? Antara? Happy? Shiv? Good, thank you. Thank you so much for participating in these processes, जो आपके अंदर कॉन्फिडेंस इंस्टिल करेगा, सेल्फ लव इंस्टिल करेगा एंड सेल्फ जजमेंट ड्रॉप करेगा. ओके, थैंक यू सो मच. हां जी, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस. इट्स सो नाइस टू हियर यू डू ऑल द मेडिटेशंस. इज ग्रेट. I hope everyone liked it and they have first time participated as well in this processes as well on the video call. So it's great and it's our pleasure to have you here. Thank you. Thank you. And any of you, if you have any questions, you can drop your questions to Shiv or Naveen and they will send it to me and I'll answer it. Okay. Okay. Thank you guys. Thank you so much. Lots of love to you, Shiv and Naveen, for bringing me on board. Thank you.